आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए बरसाने लाल चतुर्वेदी की लिखी झलकी, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। उषा डार्लिंग, कहाँ हो भाई? हैं? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भाई देखो, आज शाम का खाना नहीं खाऊंगा। कहाँ क्या है? मैं भी तो सुनूं। अरे भगवान, दूसरे के घर दावत बड़ी मुश्किल से मिलती है। कुछ बताओगे भी या पहेलियां ही बुझाते रहोगे? भाई अभी अभी एक पहचान वाले से पता चला कि करोड़ी मल ने अपने लड़के की शादी के सिलसिले में 5-स्टार होटल में राज रात को जोरदार रिसेप्शन दिया है। तुम्हारा करोड़ी मल से क्या रिश्ता? अरे भाई वो एक बार बम्बई जा रहे थे। हाँ, मैं भी जा रहा था, रास्ते भर साथ रहा था। अच्छा? बड़े मिलनसार है वो, हाँ, रास्ते भर गप लड़ाते गए। इनविटेशन कार्ड तो आया होगा? अरे इनविटेशन कार्ड, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो भाई। भाई इनविटेशन कार्ड तो फॉर्मल होते हैं, दूर दराज के लोगों को भेजे जाते हैं। जहाँ आत्मीयता हो वहाँ भला फॉर्मेलिटी का क्या काम? करोड़ी मल जी ने कोई फोन किया था क्या? अनी जी, तुम समझती क्यों नहीं है? जिसकी शादी होती है उसे तो मरने तक की भी फुर्सत नहीं होती। हाँ, भूल गया होगा, पीछे जब मिलेंगे तो जान खा जाएगा वो मेरी। मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है तुम्हें? भाई भाभी भाभी भाभी, अरे छगन बाबू से बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है। मिस्टर मगनलाल, अब आप ही इन्हें समझाइए, किसी करोड़ी मल के लड़के की शादी का रिसेप्शन है, उसे अटेंड करने की सुबह से जिद कर रहे हैं। न कोई कार्ड आया है न कोई बुलावा। अरे भाभी आप बेकार चिंता कर रही है। अरे ये तो ऐसे रौब से गेट पर खड़े लोगों से मिलते हैं, मानो ये उनके लंगोटिया यार हो। अब तुम ही बताओ भाई, वहाँ भीड़ में कोई यूं भी पूछता है क्या कि कौन आया और कौन गया? हाँ, वीआईपी की गिनती जरूर होती है भाई, वो ईश्वर की कृपा से। हाँ मैं नहीं है। कभी ऐसा चांस भी तो पड़ सकता है कि पकड़े जाओ। अरे भाभी ऐसा चांस तो पड़ता ही नहीं। हाँ, हम दोनों ऐसे सिद्ध साधक बन जाते हैं कि क्या मजाल जो कोई तनिक भी शक कर जाए। मैं तो हैरान हूँ आप लोगों को पता कैसे चला। अरे भाभी ये कौन सी मुश्किल बात है। देखो हम ऐसा करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में बैठ जाते हैं और इनविटेशन कार्डों से पता चल जाता है कि दावत किस स्टैंडर्ड की होगी। हाँ। और फिर भाई बैंड वालों से, टेंट वालों से, पुरोहितों से, गैस की लालटेन वालों से, बस हम में से एक को पता चलना चाहिए। अरे मामला फिट फिट। अरे भाभी हम दोनों में ये एग्रीमेंट है कि कोई अकेला नहीं जाएगा। हाँ, एक से दो भले, हिम्मत भी बनी रहती है। ये भी पहले तय कर लेते हैं कि अकेले ही जाना है या एक दो बच्चों को भी साथ ले जाना है। भाई राम, मुझे आज पता चला है कि आप तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वर्ग के हो। हाँ, मैं तो आगे ना खुद जाऊंगी ना अपने किसी बच्चे को साथ भेजूंगी। फंसोगे ना तो तुम। अरे भाभी भाभी, अब अपन तुमसे क्या छुपाना। ये हसरत तो बताएंगे नहीं। अरे भाभी कभी कभी धोखा हो जाता है, हालत पतली हो जाती है। अब भाभी क्या बताऊं, एक जगह हम दोनों ऐसे फंस गए कि पल्ला छुड़ाना भारी पड़ गया। एक रिसेप्शन में हम पहुंच गए जो गिनती के आदमियों का था। हमने जब मामला गंभीर होते देखा तो कोई और नाम लेकर पूछने लगे, क्या ये वो बनवारी लाल जी के लड़के का रिसेप्शन है? उनमें से एक बोला कि आप गलती से इधर आ गए साहब, इंक्वायरी से पता लगा लीजिए। हम लोग एक्सक्यूज मी कहकर वहां से किसके भाभी। और खरामा खरामा अपने घर पहुंचे, पराठे वाली गली से दो दो पराठे खाकर घर में जाकर सो गए। आपसे किस मुंह से कहते भाभी, पोल ना खुल जाती। अरे भाई परत्र दुर्लभा,
दूसरे की यहाँ की दावत बड़ी मुश्किल से मिलती है। अबे कहा भी तो गया है ना कि मूर्ख लोग दावत देते हैं और चतुर लोग उसका आनंद लेते हैं। और भाभी बड़ी बड़ी दावतों के साथ साथ हम छोटी दावतें भी नहीं छोड़ते। नए नए स्टोरों का उद्घाटन हो या अभिनंदन समारोह, हरि को भजे जो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। हाँ भाई याद आया, अब वो जलपान शब्द ने हम दोनों को एक बार खूब उल्लू बनाया। हुआ यूं कि कार्ड आया, शायद कोई विचार गोष्ठी थी, नीचे लिखा था कार्यवाही समाप्त होने के बाद कृपया जलपान के लिए रुके। सो हम लोग रुके, गर्मियों के दिन थे, कुछ स्वयं सेवक टाइप के लोग पहले कुल्हड़ में सादा पानी दे गए, दूसरे सज्जन आए वो एक जोड़ा पान, संयोजक जी ने अंत में दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद दे दिया। जल पहले पिला दिया और पान बाद में खिला दिया, जल पान कंप्लीट। हम एक एक प्लेट मिठाई, एक एक प्लेट नमकीन और साथ में चाय तथा कॉफी का सपना संजोए हुए थे। अच्छा अच्छा छगन लाल जी, अब कथा सुनाना बंद करो, जल्दी करो, कहीं दावत खत्म ना हो जाए। अच्छा बात भाई, कौन साहब हैं, आ जाइए। आप ही छगन लाल जी हैं? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहिए कैसे आना हुआ आपको? गुरुजी की मृत्यु का तो पता चली गया होगा। भाई मुझे तो पता नहीं चला है, कितने दिन हो गए? कल तो उनकी 13वीं है। 13वीं? हाँ, हम सब लोगों ने मिलकर ही इसका प्रबंध किया है। आखिरकार गुरुजी, अरे हमें छोड़कर चले ही गए। अब हमारे ज्ञान चक्षु कौन खोला करेगा। अच्छा छगन लाल जी, मैं तो चलता हूँ। अच्छा, और भी कई स्थानों पर जाना। अच्छा भैया, देखो इस मुड़े हुए सर पर कुछ ढक तो लेते, अब सर्दी पड़ने लगी है भैया। भैया जल्दी में चला आया था। अच्छा तो मैं चला। अच्छा 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 अच्छा, उषा डार्लिंग, सुन रही हो? क्या है? अरे भाई कल सुबह का खाना नहीं खाऊंगा। कल व्रत है क्या? अरे व्रत वगैरह तो अगले जन्म के लिए छोड़ रखे हैं, कल तो हमारे गुरुजी की 13वीं है ना। तुम तो खा पी लोगे। घर का भी कभी कुछ सोचा है? क्यों? गैस के सिलेंडर को कितने दिनों से कह रही हूँ तुमसे, भाई तुम्हारे कानों में जो भी नहीं रेंगती। उठो आटा पिसवा कर लाओ, राशन लेकर आओ, बच्चों की कॉपी किताबें लाओ। हाँ वो टीवी खराब पड़ा है, मैकेनिक से क्या कराना? गैस महीने में एक बार मिलती है, सो बुक कराई हुई है। राशन, राशन वाले की यहाँ कोई कमी हो गई है। मैकेनिक के साले की शादी है, जो भी वो 2-3 दिन के बाद ही आएगा ना। भाई आटे की चक्की पे मैं गया था, है वो 2 दिन से खुली नहीं रही। अच्छा हाँ। तो मैं बच्चों को लेकर चली मैके। अरे नहीं, नहीं, सुनो। तो मुफ्त की दांतों से ही फुर्सत नहीं है ना? देखो 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 देखो, अरे भाई पास पड़ोसियों से सहायता लेकर आज का काम तो जलाओ ना। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप कोशिश करता हूँ। तुम और तुम्हारी कोशिशें, मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी। सुनो चले। भाभी जी, मगन लाल जी हैं क्या? आइए भाई साहब, वो तो अभी अभी आपकी याद करते करते बाजार तक गए हैं। अच्छा अच्छा, बाजार गए? मैं चूल्हा जलाने को बैठी हूँ, कहीं की दावत का समाचार लाए हैं क्या? हाँ भाभी जी, वो हमारे गुरु जी का स्वर्गवास हो गया है, कल उनकी 13वीं है, उसी का समाचार देने आया था। Think of the devil that is there. लो आ गए वो, मैं तो चली, बहुत काम पड़ा है। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था छगन लाल। अच्छा हुआ तुम आ गए भाई। अरे मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया है, कल 9 बजे के लगभग पोस्ट ऑफिस के पास मिलना। ठीक है ठीक है, वहीं से चलेंगे। ठीक है। अगर
कितने महान कितना प्यार है शिष्यों को, सारे के सारे सिर मुंडाए बैठे हैं अपने पिता की तरह समझते हैं। गुरुजी 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 मगन लाल, यार सब शिष्य तो सर मुंडाए हुए हैं, अपना क्या होगा। अरे भैया ओखली में सर दिया है तो मूसलों का क्या डर। अरे सर तो हम तुमको भी मुंडवाना ही पड़ेगा, वैसे भी हम लोगों का कर्तव्य है। देखो देखो वो उधर से कोई आ रहा है। हाँ तो आप लोग जल्दी से सर मुंडवा लीजिए, भंडारे का समय समीप आता जा रहा है। अरे, 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 चलो भैया चक्कर ला, चलो मगन इधर 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 चले आइए, बैठिए। अरे चंगल्ला, ये क्या आप नहीं हुआ। आप इधर बैठिए, आप आइए, आप आइए, आइए ये नीचे नीचे। हिलिए मत, हिलिए मत, हिलिए मत, हिलिए मत। जा जा जा। वाह, यहाँ कितनी अच्छी खोपड़ी उड़ी आपने। आप जाइए, चलिए उधर भंडारे में जाइए, जाइए। चलो भाई, आओ, आओ। यार देखना मेरी खोपड़ी ये कितनी चिकनी सी हो गई है। मेरी खोपड़ी तुमसे ज्यादा चिकनी है। अरे तू अपना मुंह इसमें देख, अरे बिल्कुल दर्पण हो गई है, दर्पण रात सी। वो तो भैया देखा यार, छगन लाल और मगन लाल के दोनों के सर मुंड गए। बेचारे अपने गुरु से कितना प्यार करते थे। अरे इन मुफत खोरों का कोई गुरु वुरु नहीं है, ये तो जन्म जात के मुफत खोरे हैं, भोजन करने के लिए शिष्य बन गए होंगे। अच्छा हुआ कि इनकी खोपड़ियां मुंड गईं, अब जरा आगे से सोच समझ के जाया करेंगे। लो देखो वो दोनों चले आ रहे हैं। क्या हुआ तुम्हारे बालों को? अरे भैया छगन लाल, भाई मगन लाल, देखो लोग क्या क्या कह रहे हैं। भाई अब तो भैया कसम खा लो, सिर्फ डीलक दावतों में ही चला करेंगे। तो ये थी झलकी मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। इसको लिखा बरसाने लाल चतुर्वेदी ने और निर्देशन किया कमल दत्त ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।